फर्स्ट टाइम आए आप? फर्स्ट टाइम बंदा मुझे डिनर करने बाहर लेके आए हैं। यप। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आफ्टरनून में। लास्ट जो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था उसमें आप सभी के बहुत सारे सवाल थे कि आदि आप ये किसके घर पर आए हो, क्या ये आपने घर ले लिया है, क्या आपने पुराना घर छोड़ दिया है, क्या आप वहां कभी वापस नहीं जाओगे, क्या ये रेंट हाउस है। 10, 20, 25, 30, 50, 60 इतने सारे कॉमेंट्स है और सारे कंफ्यूज है। तो काफी सारे कॉमेंट्स ये भी है कि प्लीज ये डिटेल में बताएं कि आप यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। सो आपने मेरे ख्याल से व्लॉग पूरा नहीं देखा या आपने मेरे जो लास्ट व्लॉग्स है वो नहीं देखे। मैंने आपको बताया था कि मेरा एक और घर है जहाँ फिलहाल लकी है और मैं वहां पर जाऊंगी और जब भी मैं जाऊंगी तो मैं व्लॉग शेयर करूंगी। तो ये वही वाला घर है, मेरा जो घर है वहां पे वो भी मेरा ही घर है और ये वाला घर भी मेरा ही घर है। यहाँ पर मैं ज्यादा आती नहीं हूँ क्योंकि लकी जब काम से आते हैं यहाँ पर तभी यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, अदरवाइज ये घर बंद ही रहता है। और वो जो मेरा घर है वो तो गढ़ है, मेरा बचपन वहां बीता है उस सिटी में। तो मैं तो मतलब वो तो मेरा मेन आप कह सकते हैं कि होम टाउन है। वो भी मेरा ही घर है, ये भी मेरा ही घर है, दोनों मेरे ही घर है और मैं अभी फिलहाल बंदे के पास आई हुई हूँ। सो काफी अच्छा लग रहा है और कोई रेंट हाउस नहीं है और कोई मैं शिफ्ट नहीं हुई हूँ। मैं वापस से चली जाऊंगी अपने घर वहां पर फिर से और अभी मैं जब तक यहाँ पर हूँ अपने सारे ही ब्लॉग्स यहीं से शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा काफी मतलब वो वैकेशन वाला फील आ रहा है, आराम से उठो, आराम से सो, आराम से सब कुछ करो। बस एक चीज है कि जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो यहाँ आने के बाद ना मेरे को काम बहुत बढ़ जाता है क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ परमानेंट नहीं रहते। तो यहाँ पर जो कोई मेड है वो परमानेंट नहीं रहते, इस वजह से मिलती नहीं। तो फिर यहाँ आने के बाद सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे बर्तन, सारे तो नहीं लेकिन जितने भी है सब मैंने ही वॉश करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ग्रोसरी शॉपिंग था वो मैंने किया था लास्ट नाइट, जिसे मैं भी डालूंगी अच्छे से, यहाँ पर भी है। और चलिए अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हो गया है लेकिन मैंने अभी लंच बनाना है और थोड़ा सा क्लीनिंग करना है। तो बाहर का वेदर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आज, आई थिंक बारिश आएगी। और ये देखो मेरा छोटू सा मंकी बैठा हुआ है यहाँ पे। हेलो मंकी। हाय। है मंकी। हाय। बेल ना बजाओ, ये मंकी दिन भर ऐसे ही करता है। सो चलो अब हम किचन के काम करते हैं। बहुत सारे बादल आ गए हैं और बारिश आएगी बहुत तेज, तो चलिए मैं जहाँ जाती हूँ वहीं बारिश आ जाती है। डन, सारे बर्तन हो गए, सारा ग्रोसरी मैंने डाल दिया, अब जल्दी से एक कप टी बनाते हैं और फिर हम बैठते हैं।
अब अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, बेडरूम्स हैं, एक साइड में बेडरूम है, वहां पे एक बेड रखा है और एक कबर्ड है, दैट्स इट, एक टीवी है। लेकिन ये वाला जो बेडरूम है ना, यहाँ पर कॉरिडोर मिलती है, इसलिए मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। वेदर बहुत ज्यादा प्यारा प्यारा सा है, कॉरिडोर बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये सामने पूरा खाली है और आगे जाके हमारे सोसाइटी का गार्डन है, बहुत ही क्यूट सा। बारिश बहुत ज्यादा थी तो मैंने सारे कपड़े यहाँ निकाल के रख दिए, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। बारिश बहुत ज्यादा तेज है और रिलैक्स लग रहा है, तो अब मैं थोड़ा देर बैठूंगी, कुछ क्लीनिंग वगैरह करूंगी, उसके बाद यहाँ पर एक वॉशरूम है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज ना घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, सब्जियां कुछ भी नहीं है, और बैठी हूँ बस, मैं सोच रही हूँ बारिश रुक जाए तो अल्तमश और मैं जाते हैं और मैं कुछ सब्जियां लेकर आती हूँ, बट बारिश है कि रुकी नहीं रही। मेरा अल्तू भी आ गया, अल्तू बैट लेके आ गया, अल्तमश काफी देर से कह रहे हैं मेरे साथ बैट बॉल खेलो, अब बारिश रुकेगी तो हम नीचे जाएंगे ना। बारिश तो रुक भी गई है। नहीं बेटा वो क्या आ रही है देखो, थोड़ी तो थोड़ी थोड़ी में कैसे खेलेंगे ना, पूरा रुक के तो खेलेंगे। तो फिर अल्तमश और मैं खेलेंगे बैट बॉल। हाय अल्तमश, बहुत ज्यादा जिद्दी कर रहे हैं कि मेरे साथ बैट बॉल खेलो, और बारिश है कि रुकी नहीं रही है, और मैंने सब्जियां भी लेने जाना है, देखते हैं। अभी हमारे अभी ये वाले घर में ना वार्डरोब वगैरह नहीं बने हुए हैं, सिर्फ एक ही रूम में है और इधर कहीं भी नहीं है, तो मैंने सोचा है कि अभी जो नीचे वाला बेडरूम है वहां का और यहाँ का थोड़ा सा काम करवाऊंगी, बट लकी मना कर रहे हैं। हस्बैंड सेम होते हैं, इनका बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है घर में कुछ लेना हो, कुछ बनवाना हो, तो सारा कुछ हमें जिद करके अपनी मर्जी से ही करना पड़ता है। किस किस के घर में ऐसा होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मुझे अच्छा लगे कि मेरे साथ और भी कोई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, फाइनली हाउ आर यू। हम डिनर करने आए हैं बाहर, फर्स्ट टाइम आए हम, फर्स्ट टाइम बंदा मुझे डिनर करने बाहर लेके आए हैं। यह बहुत फेमस थाली मिलता है, वेज थाली, वेज खाना बहुत टेस्टी है। यह आए हैं मेरे पास तो मैं सोचा तो बाहर की अच्छी अच्छी डिशेज जो मैं खा चुका हूँ पहले नॉलेज ले लेता हूँ मैं कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ कहाँ खाना है, तो ये आए हैं जो खाना खिला रहा हूँ, देखते अलग अलग डिश बनाना है बहुत सारी चीज़ें। जिस दिन से मैं आई हूँ कल एक इनविटेशन था वहाँ गए थे और आज हमको डिनर कराने लेके आए हैं, तो अभी डिनर करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं घर पहुँच के, थाली दिखाऊंगी। कैसा लग रहा है? तो हम आ गए हमारी गड्डी देखो, चलो चलते हैं। सो हम आ गए थे घर, हमने चेंज किया और मैं जस्ट बैठी हूँ अभी, और आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, और आपको मिलूंगी कल न्यू व्लॉग के साथ। ये मेरा अल्तू, रुको तो सही, तो चलिए मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, और आपको मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, कल का पूरा व्लॉग लकी के साथ रहेगा, कल इसको हम किडनैप कर लेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे।